नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 414वां एपिसोड। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2021, आईपीएल के लीग स्टेज का आखिरी दिन है, लेकिन धोनी ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसने कहने ना कि चेन्नई और पूरे आईपीएल के फैंस के लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहा है धोनी ने, कौन होगा चेन्नई का नया कप्तान, उसका ऐलान, उसकी बात, उसकी खबर इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों हमने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल की किसी भी टीम के फैन है तो भाई छोटा सा कह लेना एक लाइक का तोहफा आप हमें दीजिए। नीचे लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर भाई बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए भाई देर नहीं करते हैं, आप सबको पहली बड़ी खबर से रूबरू कराता हूँ। दिन भर की 10 खबरें बताएंगे। तो ये रिपोर्ट आ रही है भाई मलिक के हवाले से। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि उरमान मलिक की जो गति है, जो रफ्तार है, वो अब कहने ना पूरे भारत में हर किसी के दिमाग को ठनका रही है। मतलब बता रही है कि किस तरह से भारत को एक दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज मिल गया। और इसी को लेकर रिपोर्ट है कि उन्हें NCA में बुलाया जा सकता है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उन्हें तराशने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये हम कह सकते हैं कि भारत को आने वाले समय में अपने इतिहास का सबसे तेज गेंदबाज मिल सकता है। और इसके लिए एक लाइक बनना चाहिए दोस्तों, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो। इवन ये तो गर्व की बात है कि वो कश्मीर से निकल कर आए हैं, तो उनके लिए एक लाइक बनना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुंह पर भी एक अच्छा खासा तमाचा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आज हिस्ट्री रची जाएगी आईपीएल में। आज क्या हिस्ट्री रची जाएगी वो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल के कुछ स्क्रीनशॉट देख लीजिए। दोस्तों कल भी हमने टीम बनाई, आपको पहुंचाई और जीते भी। और इसीलिए मैं बोलता हूं भाई कि चाहे छोटी लीग हो, चाहे VVS के खिलाफ खेलना हो या फिर कुछ भी आपको फैंटेसी क्रिकेट खेलना हो, यार माई 11 पर जरूर है जाना। इसमें मैंने आज के मैच के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। जैसे ही आप नीचे वाली लिंक खोलेंगे, अपना पहला पैसा डालेंगे तो आपकी तरफ से 1500 रुपए मिल जाएंगे, 20% का स्पेशल डिस्काउंट, ये सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा। बड़ी चीज यह है दोस्तों कि अगर आप हर मैच में VVS को हराते हैं, अब तो प्लेऑफ बचे हुए हैं, VVS को हरा देते हैं तो दोगुने से लेकर 5 गुना कैश अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा आप जीत सकते हैं भाई। और हर रोज तो हम जीतते ही हैं, जो हमें हमारी टीम देखते हैं उन्हें पता ही होगा। हाँ, मेरी टीम आप तक कैसे पहुंच सकती है, तो पहले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलकर माय 11 को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना, गूगल पर जाना, द रियल MCP सर्च कर लेना, पहली लिंक खोल लेना, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लेना। वहां से आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लेना और हर रोज मैच से पहले हम आपको टीम देते हैं वहां पर, तो हर रोज टीम के लिए तैयारी कर लेना, क्योंकि अब तो हमारी टीम भाई तगड़े फॉर्म में आ गई है और माय 11 पर बहुत धमा चौकड़ी मचा रही है। तो फिर बोल रहा हूँ भाई एक बार और, देर मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोलकर माय 11 करो। आगे बढ़ते हैं भाई दूसरी बड़ी रिपोर्ट की क्या खबर है। हिस्टोरिक डे है भाई आज आईपीएल में। हिस्टोरिक डे इसलिए है क्योंकि आज एक ही दिन में एक ही समय पर शाम 7:30 बजे 2 मैचेस खेले जाएंगे। इन दोनों मैचों का टेलीकास्ट कहां होगा, इसको लेकर मैं पहले ही एक अलहदा रिपोर्ट बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखना, लेकिन इस बड़े दिन के लिए एक लाइक जरूर बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो चेन्नई की टीम में 7 दिन बचे आईपीएल के, लेकिन चेन्नई की टीम ने सैम करन की रिप्लेसमेंट बुला ली है। डोमिनिक ड्रेक्स नाम के जो खिलाड़ी वेस्ट इंडियन प्लेयर है, इनकी एंट्री हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। और कितने सफल होंगे, क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, आप कमेंट में इस पर अपनी राय दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है, और इस बयान को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये बयान बड़ा अजीब है। PCB के चेयरमैन ने कहा है, One strong investor told me that a blank check is ready if Pakistan beat India in World Cup. मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि उनसे किसी बड़े कंपनी के मैनेजर कह लेना कि मालिक ने ये कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान जीत जाता है तो वो उन्हें ब्लैंक चेक दे देंगे, मतलब आप कुछ भी अमाउंट डाल लेना उसमें। अब ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये खबर मुझे समझ ही नहीं आ रही, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। इस तरह की बातें क्यों करते हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भाई वुमेन्स क्रिकेट की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को मैंने ऊपर रखा है, जानकर ऊपर रखा है, क्योंकि भाई तायला वलमिंक नाम की एक खिलाड़ी है, भारत के खिलाफ वुमेन्स क्रिकेटर है, खेलते हुए उन्होंने 145 की रफ्तार से गेंदबाजी की। अभी तक वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास की जो सबसे तेज गेंदबाज है वो झूलन गोस्वामी
स्वामी रही हैं जो भारत से आती हैं, लेकिन तायला वलमिक ने उनका रिकॉर्ड तोड़ने के करीब वो पहुंच रही हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि वुमेन्स क्रिकेट से भी अब 145 की गेंदें फेंकने वाली क्रिकेटर्स निकल रही हैं। सल्यूट है भाई, लाइक कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो महेंद्र सिंह धोनी का क्या इशू है उस पर थोड़ा सा अब हम आपको जो है लाइट आउट कर देते हैं। धोनी ने कल का मैच जो हुआ था उसमें डैनी मॉरिसन को दिए गए इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए और उसके बाद भी सोर्सेस के हवाले से कई न्यूज निकल कर आए। धोनी ने साफ कह दिया कि वो रहेंगे, वो चेन्नई के साथ ही रहेंगे, वो चेन्नई की पीली जर्सी में ही रहेंगे, माफ कीजिए दोस्तों, लेकिन उनका रोल क्या रहेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली उनका रोल मेंटर का रहेगा, कप्तानी कोई और करेगा। जी हाँ, कप्तानी कोई और करेगा और वो कप्तान का नाम भी सामने आने लगा है। धोनी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से दो नई टीमों की एंट्री के बाद बैलेंस पर्स और रिटेंशन की स्थिति बनेगी उसमें अगर चेन्नई की टीम धोनी को अगर रिटेन करती है तो चेन्नई घाटे में रह सकती है बिकॉज धोनी उस तरह के फॉर्म में नहीं है। नाम बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है, लेगेसी लेजेंडरी लेगेसी बहुत बड़ी है, पर इस समय उस तरह के फॉर्म में नहीं है और एक दो साल का ही क्रिकेट अब रह गया है। तो इसीलिए वो ऐसे मेंटर अगर जुड़ते हैं तो चेन्नई की टीम को एक जगह खाली मिल जाएगी, उसमें वो मेगा ऑक्शन में एक अच्छा प्लेयर डाल सकते हैं, युवा खिलाड़ी को डाल सकते हैं, ये धोनी का मानना है। साथ ही कप्तान के रूप में चेन्नई के कप्तान की बात करें तो चेन्नई के कप्तान फाफ डू प्लेसिस हो सकते हैं जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है। तो ये कुछ दो तीन रिपोर्ट्स थी जो मुझे लगा मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए क्योंकि विराट की कप्तानी पर भी सबसे पहले हमने ही खबर बताई थी, वो सत्य हुई थी, तो इसके लिए भी एक लाइक बन जाना चाहिए क्योंकि ये भी सही होगी। और इस खबर को, धोनी वाली खबर को, तो मैं मार्च से बता रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब किया था ना तब से तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पर्पल कैप तो हर्षल पटेल का है, इसमें किसी को कोई दोराय नहीं है, लेकिन अगर हम इस समय टोपियों की रेस की बात करें तो ऑरेंज टोपी के लिए गायकवाड़, केएल राहुल, धवन और प्लेसिस के बीच जंग है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन ले जाएगा नारंगी टोपी। YouTube ने कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए दिया है नीचे और अपनी राय जरूर लिख देना किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं ऑरेंज कैप के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पाकिस्तानी थोड़े से जेलस दिखाई दे रहे हैं उमरान मलिक से। ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं कि भाई कश्मीर तो जो है वो हिस्सा ही कह लेना पाकिस्तान का है और वहां के अखबार भी बहुत कुछ चला रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है, वहां से उमरान मलिक निकले हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, इंडिया के नहीं है। तो भाई एक कहने ना कि एक अपनी घर के पाकिस्तानियों से बोलूंगा जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, सारे नहीं, अपने घर में आप जहां भी जूते चप्पल रखे रहते हैं वहां जाकर एक जूता उठाकर अपने ही सिर पर मार लीजिए क्योंकि दुनिया को पता है कि सच्चाई क्या है, दुनिया को पता है कि उमरान मलिक एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी है और अपनी इस तरह की बुलशिट बातें ना करा करें, अदरवाइज किसी भी देश के गुलाम आप ज्यादा दिन नहीं है बनने से रहे, तो ऐसा ना हो जाए कि भविष्य में हम आपके ही खिलाड़ियों को चाइनीज झंडे के अंदर खेलता हुआ देखें, थोड़ा सा इस पर अपनी सोचना जरूर। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल का हाल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉप टू टीम्स, टॉप थ्री टीम्स, टॉप फोर टीम्स, अब सारे गणित बंद हो गए, हालांकि आज भी कुछ डिसाइडिंग होगा और इसको लेकर रिपोर्ट्स पहले से मौजूद है। तो ये तो जी दिन भर की दस बड़ी खबरें भाई, माई 11 पर अपना अकाउंट जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, देर बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल देर मत कीजिए, लाइक और शेयर आपको करने चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।